भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बातचीत और डेडलॉक को खत्म करने पर चर्चाएं जारी है। भारत ने एलएसी पर बेहद आक्रामक मोर्चेबंदी भी की है, यानी अपनी तैयारी भी पुख्ता की है, और इस मोर्चेबंदी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन टैंक्स की है जिन्हें फॉरवर्ड पोस्ट और ऊंचाई वाले मोर्चों पर तैनात किया गया है, जो दुश्मन देशों के लिए चुनौती होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना का कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत है, जो देश की स्थिति को भी मजबूती से पेश कर रहा है। बॉर्डर पर मां भारती की रक्षा के लिए देश के शूरवीर डटे हैं। हर एक इंच जमीन का हिसाब लिए जाने का पूरा बंदोबस्त है। भारत अपनी मजबूत स्थिति की बदौलत चीन पर हावी है। कोर कमांडर स्तर की सातवें दौर की बैठक के बाद बदलाव कुछ ज्यादा नहीं है। भारत दुनिया को हैरान कर रहा है अपनी कमाल की युद्ध नीति की वजह से। समंदर से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर आग उगलते टैंक्स की तैनाती। ऐसी तैनाती जो है इतनी ऊंचाई के ऊपर, यही दर्शाती है कि ये चाइना को एक ऐसा सख्त संदेश है कि उसको फिर हमारी भारतीय सेना की मार खाने से और कोई छोड़ने वाला नहीं होगा। अपनी गर्जना से चीनियों के दिल को दहलाते ये टैंक दुश्मन के खेमे में बर्बादी लिखने को तैयार हैं। भारतीय सेना ने एलएसी पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती कर रखी है। इतनी ऊंचाई पर ये टैंक तैनात किए गए हैं कि चीन की सीमा के कई इलाके भारतीय सेना की जद में हैं। सेना ने T-90, T-99, T-69 और T-72 टैंकों की तैनाती की है। इसके साथ ही BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी तैनात किए गए हैं। ये टैंक -40 डिग्री तापमान में ऑपरेट किए जा सकते हैं। टैंकों को सैनिक इतिहास में कभी भी इतनी ऊंची पहाड़ी पर तैनात नहीं किया गया था। 50 से 60 टन वजनी टैंकों को इन पहाड़ियों पर चढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना इसमें कमाल की क्षमता रखती है। पहले आसपास की पहाड़ियों से ट्रैक बनाए गए और इनके जरिए इन टैंकों को यहां तक पहुंचाया गया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का एक आधुनिक अंग है, जिसके पास हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्युनिशन और मिसाइल स्टोरेज होने के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। मैकेनाइज इन्फेंट्री का गनर एक बहुत ही ट्रेन सोल्जर होता है, जो अलग अलग तरह के आर्मामेंट को फायर करके की क्षमता रखता है। भारतीय सेना ने टैंकों को 15 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया है। इससे पहले 1948 में जनरल थिमैया ने लद्दाख में स्टुअर्ट टैंकों की तैनाती की थी। हल्के स्टुअर्ट टैंक्स का इस्तेमाल पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए किया गया था। उस समय भी पूरी दुनिया 11,500 फीट की ऊंचाई पर टैंकों की तैनाती देखकर हैरान रह गई थी। जब 1948 के अंदर पाकिस्तान ने हमारे लेह लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो उस टाइम जनरल थिमैया जो थे, उन्होंने जो टैंक थे वो जुजीला पास तक पहुंचा दिए थे। तो उस जमाने में, उस टाइम एंड ईरा के मुताबिक वो एक बहुत ही अद्भुत कारनामा था। भारत की युद्ध नीति बेहद एग्रेसिव रही है। एलएसी पर भारत के शूरवीरों ने प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो किया है, लेकिन उन्होंने दुश्मन को कभी कमतर नहीं आंका।
यही वजह है कि जब भी चुनौती बढ़ी, भारत ने समय और परिस्थिति के मुताबिक जोरदार प्रहार किया। 29-30 अगस्त को भारत ने चीन को एक ऐसा ही करारा जवाब दिया था। चीन ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक आगे बढ़ाए थे, जिसका जवाब भारत ने इन पहाड़ियों पर टैंक तैनात करके दिया है। पेंगोंग के पूर्वी किनारे पर ठाकुंग से लेकर रिजंगला तक की सभी महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर भारत का कब्जा है। केएम मिश्रा, जी मीडिया, ले लद्दाख। वंदे मातरम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कौन सा इतिहास अब तक आपको गलत पढ़ाया जाता रहा।